हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार प्रणाम आप सभी का मैकेनिकल एट ईज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं जी एल ए यूनिवर्सिटी के बारे में ये यूनिवर्सिटी मथुरा में है यहाँ पर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच के छात्र यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस कैटेगरी में यहाँ पर पीएचडी अवेलेबल हैं फॉर एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम तो आप यहाँ देख सकते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी एच यहाँ पर अवेलेबल हैं ओल्ड सेमेस्टर 2022-23 तो ये कुछ डिटेल बताई गई है GLA यूनिवर्सिटी के बारे में आप देख सकते हैं जब आप इस नोटिस को पढ़ेंगे तब तो नोटिस को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ दृश्य हैं जी एल ए यूनिवर्सिटी मथुरा कितना विहंगम दृश्य है तो चलिए देख लेते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम सबसे पहले है पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ फारमाश्यूटिकल रिसर्च के बारे में तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है देख लीजिए फारमाश्यूटिक्स फारमाश्यूटिकल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी फार्माकोजोनोसी एंड साइटो केमिस्ट्री तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं नेक्स्ट है पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस सिविल इंजीनियरिंग बाकी इनके सब टॉपिक हैं वो आप देख लेंगे कि आपको किस टॉपिक पर यानी किस एरिया में रिसर्च करनी है ठीक है तो नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल में आप देख सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉडलिंग सिमुलेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल रेनफोस्ट कंपोजिट्स मॉडलिंग एनालिसिस ऑफ बियरिंग ट्राइबोलोजी इट्स माय फेवरेट मॉडलिंग एनालिसिस फॉर वेल्डिंग प्रोसेसेस सोलर एंड थर्मल एनर्जी एप्लीकेशन यूजिंग नैनो फ्लूड्स टू फेज मेटेरियल होट डिफॉर्मेशन माइक्रोस्ट्रक्चरल क्रैक्टराइजेशन मैकेनिकल प्रॉपर्टी सी एन टी पोलीमर कंपोजिट्स एजाइल मैनुफैक्चरिंग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी सिमुलेशन ऑफ वेल्डिंग फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग मेटीरियल प्रोसेसिंग तो ये कुछ टॉपिक हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ठीक है वो इस तरीके से सभी ब्रांचेस के अपने अपने वहाँ पर कुछ एरियाज दिए गए हैं एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन तो आप चेक कर सकते हैं जिस भी टॉपिक में जिस भी एरिया में आप अपनी पीएचडी करना चाहते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार आप देख सकते हैं नेक्स्ट है पीएचडी सेंटर फॉर कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस तो इसमें आप देख सकते हैं कॉस्मोलॉजी डार्क एनर्जी मॉडिफाइड ग्रेविटी एस्ट्रोफिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स रेडिएशन फिजिक्स हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है पीएचडी, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड हम्यूनिटीज तो इसमें आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री इंग्लिश नेक्स्ट है पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इसमें आप देख सकते हैं मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फाइनेंस इंटरप्रेनोरशिप इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड अदर अलाइड एरियाज नेक्स्ट है पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च तो इसमें आप देख सकते हैं इन सोल लॉ बैंकिंग एंड सिक्योरिटी लॉ साइबर लॉ डाटा प्राइवेसी इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेरी एंड मेडिएशन लॉ कंपटीशन लॉ रेगुलेशन ऑफ ए एल श्लैश रोबोटिक्स पोलिटिकल साइंस कंस्टिट्यूशन लॉ चाइल्ड लॉ कॉरपोरेट लॉ क्रिमिनल लॉ एंड टेक्नोलॉजी लॉ नेक्स्ट हैं पी एच डी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन तो इसमें आप देख सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल फिलोसफी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोगनेटिव डेवलपमेंट टीचर एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन इनोवेशंस इन एजुकेशन जेंडर इश्यूज़ स्कूल एजुकेशन रिसेंट ट्रेंड इन एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन तो ये कुछ डिपार्टमेंट के नाम अपने देखे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं नेक्स्ट है कैटेगरी अगर हम कैटेगरी के बारे में देखें एप्लीकेंट्स एडमिशन टू द पी एच डी प्रोग्राम शैल बी क्लासीफाइड अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज विच विल बी डिसाइडेड एंड रिकोमेंडेड बाई डिपार्टमेंट रिसर्च डिग्री कॉमेटी डी आर डी डी सी ठीक है डी आर डी डी सी के द्वारा रिकॉमेंड अब हम देख लेते हैं सबसे पहले फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर तो इसमें आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड यानी आपको स्टाइफंड फंड मिलेगा नेक्स्ट है सेल्फ स्पॉन्सर्ड यानी आपको स्टाइफंड फंड यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं मिलेगा नेक्स्ट है एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर तो उनको फेलोशिप मिले या कोई फॉर नेशनल भी हो सकता है एक्सटर्नली फंडेड नेक्स्ट हो सकता है कोई प्रोजेक्ट फंडेड हो यानी किसी अन्य बाहर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो और वो अपनी पीएचडी करना चाहता हो फुल टाइम तो ये तीन कैटेगरी है ए बी सी और सी कैटेगरी में कुछ अन्य बातें बताई गई है वो आप देख लीजिए तो ये फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के बारे में है नेक्स्ट है पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर तो पार्ट टाइम में भी टू कैटेगरीज हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो इसको आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में अपनी पी एच डी कंटिन्यू करना चाहते हैं नाओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द प्रीवियसली मैंशन कैटेगरी शुड पोजिज द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशंस इन अप्रोप्रिएट एरियाज टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पी एच डी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंडिडेट फॉर पी एच डी प्रोग्राम शैल हैव फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन मास्टर डिग्री फॉर द एडमिशन इन अप्लाइड साइंस एंड हम्यूनिटीज तो इसके बारे में कुछ बताया हुआ है देख लीजिए आप बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री अप्लाइड मैथमेटिक्स इंग्लिश लॉ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन ठीक है तो ये तो है साइंस एंड हम्यूनिटीज़ के बारे में लो मैनेजमेंट एंड एजुकेशन के बारे में तो आपके 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में देन यू आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं 60 परसेंट मार्क्स इन मास्टर डिग्री रिमेनिंग कोर्सेज जैसे कि हम इंजीनियरिंग सेक्शन की बात करते हैं तो आपके इंजीनियरिंग में और फार्मास्यूटिकल की बात करें यानी फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में तो सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए ब्रांचेस देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैकेनिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस तो इन सब में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए बाकी फाइव परसेंट रिलेक्शेसन एस सी एस टी कैटेगरी को मिलता है जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन्हीं के आधार पर ठीक है इट इज डिज़ायरेबल दैट द एप्लीकेंट्स हु पोजिज मिनिमम प्रिसक्राइब क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द पी एच डी प्रोग्राम शुड हैव एन एक्सीलेंट अकेडमिक प्रोफेशनल्स ट्रैक रिकॉर्ड इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन अब एक बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका जो एडमिशन होगा एंट्रेंस बेस पे होगा तो सबसे जो अच्छी बात यही है कि जो कैंडिडेट फिल कर चुके हैं या फिर नेट जे आर एफ स्लेट गेट जीपैट जो भी एग्जाम है वो क्लियर कर रखे हैं तो उनको रिटर्न टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो ये देख लीजिए नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा द एप्लीकेंट हैव टू क्वालिफाई दी एच डी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई द यूनिवर्सिटी और सेंट्रल बॉडीज सच एज़ यू जी सी सी एस आई आर एट्सट्रा द क्वालिफाइड एप्लीकेंट विल बी इंटरव्यूड बाई द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे वो इंटरव्यू देंगे जब वो इंटरव्यू में क्लियर हो जाएंगे तो उनके बाद उनका यहाँ पर एज ए पी एच डी स्कॉलर सेलेक्शन हो जाएगा तो पीएचडी के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर सबसे पहले अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू यूज़र की तरह साइन अप करना होगा यानी आपकी मेल आईडी, आपका नाम आपका मोबाइल नंबर सब डिटेल फिल करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लॉग कर सकते हैं तो यदि आपकी पहले ही आईडी बनी हुई है तो आप सीधे लॉग इन करेंगे ठीक है उसके बाद चाहे आप इस प्रोसेस से आइए चाहे आप पहले से अगर साइन अप कर रखे हैं और लॉग इन करके आना चाहते हैं तो आपके सामने स्टूडेंट डैशबोर्ड खुल जाएगा ठीक है उसके बाद अपना जो भी प्रोग्राम रजिस्टर करना चाहते हैं पेमेंट करना चाहते हैं सब चीज़ें आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है रिटर्न और इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट पैनल उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा फ्लो चार्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस ओनली दिस इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी नॉर्म्स तो ध्यान रखना ये बातें स्टेजेस इन द पीएचडी एच कंप्लीशन तो सबसे पहले कौन कौन सी स्टेजेस हैं वो देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन हर छः महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड इसमें क्या होता है कि प्री पीएचडी स्टेज कहलाती है ये तो ये कोर्स वर्क पेपर्स कंपलसरी डोमेन एंड जनरल अलोकेशन फॉर द इंटरव्यू सॉरी इंटरनल सुपरवाइजर सेमेस्टर थर्ड में क्या होता है आपको सनेप्सिस के लिए काम करना होगा स्नोपसिस एंड कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन और सेमेस्टर फोर्थ में क्या होता है सेमेस्टर प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन यानी स्टेट ऑफ आर्ट ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमेस्टर फिफ्थ में तो सेमेस्टर प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन रहती है ये भी रिसर्च पब्लिकेशंस एंड कॉन्फ्रेंस तो आपको अपना जो पेपर है वो पब्लिश करना होता है कॉन्फ्रेंस में जाइए आप फिर बात आती है सिक्स सेमेस्टर की तो प्री पीएचडी एंड थीसिस सबमिशन जो आपने सबसे पहले प्री पीएचडी की थी यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड, एक वो उसके बाद जो आपने इन सेमेस्टर के अंतर्गत जो भी किया है वो सारी की सारी आपने थीसिस बनाई होगी उस थीसिस को सबमिट करना होगा और इसी के साथ जो आपने प्री पीएचडी के लिए कार्य किया था वो भी आपको यहाँ सबमिट करना होता है नेक्स्ट जो फाइनल बच जाता है वो है आपकी प्रेजेंटेशन, ओरल डिफ़ेंस एंड अवार्ड ऑफ डिग्री तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए और आपको डिग्री बड़ी बेहतरीन और खुशनुमा बाहर लेकर आए आपकी ज़िंदगी में स्टेप्स दैट कैंडिडेट नीड्स टू फॉलो वाइल परस्यूइंग ए पी एच डी कोर्स इन ऑर्डर टू कन्फर्ड ए पी एच डी डिग्री आर लिस्टेड बिलो तो ये कुछ स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हैं ठीक है कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं नोटिस डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो भी फीस आप फिल करेंगे यानी आप फिल फीस भरेंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेगी ये वन थाउजेंड आपकी फीस रहेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए द फीस विल नॉट बी असैपरेट थ्रो एनी अदर मोड यानी आप अपनी फी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही फिल कर सकते हैं इनके अलावा कोई अन्य माध्यम प्रयोग में नहीं ला सकते कोर्स फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर इसको कॉपी करके क्रोम पे या फिर बिंग पे सर्च करेंगे देन आपके सामने आपकी जो पूरी की पूरी फीस है उसका बायोडाटा आपको मिल जाएगा नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की ए फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप ऑफ ट्वेंटी पर मंथ विल बी अवारेड फॉर डिजर्विंग फुल टाइम पी एच डी स्कॉलर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ आपको बताया जाएगा कि आपको कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दी जाएगी ठीक है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस वेबसाइट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी सबमिटेड तो आप सॉफ्ट कॉपी ही अपनी सबमिट करें क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की आपको फिल करने की आवश्यकता ही नहीं है जब ऑनलाइन काम हो रहा है तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तो ट्वेंटीथ जून 2022 आपकी लास्ट डेट रहेगी काफ़ी समय है लगभग एक महीना डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू की बात करें तो आपका 2 जुलाई 2022 को आपका इंटरव्यू रहेगा पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा ठीक है तो अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा तो सबसे पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी बेहतरीन ढंग से आप कीजिएगा उसमें जब आप क्लियर हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा ठीक है आशा करते हैं आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम